वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आर ओ ए आर ओ 2024 के लिए रीजनिंग के एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग कुल 15 प्रश्नों को हल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दिए गए दो शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि प्रश्न में दिए गए निम्नलिखित दो शब्द आपस में संबंधित है। देखिए कोच और खिलाड़ी एक दूसरे से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए कोच और खिलाड़ी में क्या संबंध होता है। जो कोच होता है मतलब जो ट्रेनर होता है, यहाँ पे कोच भी इंग्लिश में लिखा गया, कोई बात नहीं है। ये क्या करता है, प्लेयर को ट्रेनिंग देने का काम करता है, मतलब प्लेयर को चीजें सिखाता है। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए कप्तान टीम को सिखाता नहीं है ना, कप्तान टीम को लीड करता है, टीम अभ्यास का ऐसा कोई रिलेशन नहीं, अंपायर तो फैसला देता है। देखिए जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, एक स्टूडेंट को उसी प्रकार सिखाता है जैसे एक कोच खिलाड़ी को सिखाता है। तो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी इन दोनों का संबंध एक दूसरे में इसी प्रकार होगा जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर क्या दिया गया, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए 5, 3, 3, 5, 15 यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बता रहा है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है आप थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो ये पैटर्न आपको पता चलेगा, 5 × 1 − 2 है ना, यहाँ पर आपको 3 मिला, फिर आगे क्या किया गया, 3 × 2 − 3। अगर ऐसा आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से 3 मिलेगा, फिर 3 × 3 देखिए यहाँ पे 1 हो गया है ना, 2 हो गया, तो यहाँ पे 3 और गुड़े में हम लोग करेंगे 3 − 4 तो आपको मिलेगा 5। अब फिर 5 × 4 − 5 तो आपको मिलेगा 15। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, जो गुणा किया जा रहा है वो 1 से उठाया गया, बढ़ते क्रम में गुणा किया जा रहा है, और जो घटाया जा रहा है वो 2 से उठाया गया और बढ़ते क्रम में घटाया जा रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 75 में से 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 69। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 69, विकल्प सी। तो इस प्रश्न को भी आपने आसानी से हल कर लिया। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे इन शब्दों को क्रम में लगाना है, तो क्रम क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा। ऐसे देखिए सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जहां पर 1 से शुरुआत है ना, आपने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद आप कहाँ जाएंगे, दूसरे नंबर पर आप जाएंगे पोस्ट बॉक्स के पास, आपने पत्र लेकर पोस्ट बॉक्स के पास गए, आपने आप पोस्ट बॉक्स में पत्र डाल दिया, ये डाकघर में गया, डाकघर से डाकिया के पास आएगा और फिर आपके पास डिलीवरी होगा। तो इसका क्रम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें है ना। अब ये आरेख दिया, देखिए यहाँ पे जो हेक्सागन बना इसमें वो लोग हैं जिनके पास कार है, ये कार वाले हैं, जो रेक्टेंगल बना इसमें वो लोग हैं जिनके पास बाइक है मतलब मोटरसाइकिल यहाँ पर लिखा गया है, जो ट्रायंगल है इसमें वो लोग हैं जिनके पास साइकिल है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितने व्यक्ति के पास केवल मोटरसाइकिल है, मतलब सिर्फ मोटरसाइकिल, मतलब जो रेक्टेंगल में सिर्फ उनको पहले देखिए है ना, ये लोग हैं। अब इसमें भी देखिएगा, इसमें से सिर्फ उनको देखना है जिनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये 9 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो 9 और 3 = 12 लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको इसमें त्रिभुज बताना है। देखिए जब कभी भी ऐसी आकृति बनती है तो इसमें त्रिभुज की कुल संख्या खंडों के योग के समान होती है ना। तो यहां पर अगर हम इस त्रिभुज को देखेंगे, देखिए यहां से अगर हम इसको अलग कर दें है ना, ये इस जोन को देखिएगा, तो यहां पर 1, 2, 3, 4 चार खंड है, तो जब इन चार खंडों को देखा जाएगा तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहां तक आपको त्रिभुजों की संख्या मिलेगी 10। इसके बाद एक त्रिभुज यहाँ पर बना है त्रिभुज संख्या 11 और एक यहाँ पर बना है त्रिभुज संख्या 12। इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज है, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि प्रश्न में दी गई निम्नलिखित समुच्चय का आपस में संबंध है। देखिए 2 का संबंध 6 से और 6 फिर ये 42 बन गया। अब आपको बताना है इसमें क्या रिलेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 2 में गुणा कराया गया 3 का तो 6 मिल गया, और 6 में गुणा कराया गया 7 का तो 42 मिल गया।
ठीक। अब देखिए गुणा कैसे कराया जाए, दो का नेक्स्ट और छह का भी नेक्स्ट। तो आगे देखिए नौ के आगे बढ़ेंगे दस हो जाएगा, तो नब्बे यहां पर नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। चार के आगे पांच बीस नहीं है, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, एक एक के आगे दो गुणा कराएंगे तो एक दूना दो, दो तीन छह, ये संबंध यहां पर चल रहा है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या सात, सात में क्या बोला जा रहा है, अब दिए गए विकल्प में मतलब यहाँ पे चार संख्या दी गई है जिसमें से तीन किसी न किसी रूप में एक जैसी है और एक भिन्न है, जो अलग है उसका चयन कीजिए। कौन सी संख्या अलग है, देखिए 393, 384, 441, 600। अभी सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए पहले और अंतिम का गुणा कराया गया, तीन तिरिक्का नौ, ठीक, तीन चौका बारह होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर आठ आ रहा है तो यही अलग हो जाएगा। बाकी आप इसमें देखिए चार इक्का चार है, छह शून्य शून्य भी बीच में है, ठीक, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। प्रश्न संख्या आठ, देखिए आठ में क्या दिया गया, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि प्रश्न में दी गई संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। देखिए 10, 50 और 1250 है ना, इनका आपस में संबंध है, तो आपको बताना है ऐसा संबंध कहाँ पे होगा। अगर पांच से गुणा कराएंगे है ना, फिर ये यहाँ पर पांच से गुणा कराएगा और इधर 25 से गुणा कराएगा, तो अगर हम पांच से गुणा कराते तो 50 मिलता है और फिर यहाँ पर 25 से गुणा कराया गया है ना, 25 से गुणा कराया गया तो ये 1250 मिला। आगे देखिएगा यहाँ पे 5 से गुणा है 25 मिला है ना, फिर इसके बाद 25 से अगर गुणा कराएंगे तो 45 गुणे 25, जब ये मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 45 गुणे 25 से 1000 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये उत्तर नहीं होगा है ना। दो पंचे 10, फिर 25 से गुणा होगा, ये नहीं होगा। 5 यहाँ पर भी 25 से गुणा नहीं, तो ये पैटर्न नहीं चल रहा है, कुछ और चल रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये एक पैटर्न दिख रहा है, 10 का स्क्वायर किया गया और इसका आधा कर दिया गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50, फिर 50 का स्क्वायर किया गया 2500 होता है, 2500 का आधा किया जाएगा तो 1250 मिलेगा। तो यहाँ पे पैटर्न ये अप्लाई करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे 9 का अगर स्क्वायर करेंगे 81, ये मतलब दशमलव में चला जाएगा, नहीं होगा। दो दूना चार, ये भी नहीं होगा। चार चौका 16, ये भी नहीं होगा। चार का स्क्वायर 16 का आधा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 32, 8 का स्क्वायर 64 का आधा 32, ये इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 9, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय में। ये प्रश्न शायद यहाँ पर ये हो चुका है क्या, प्रश्न संख्या अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो नौवां प्रश्न ये हो चुका है, दसवां प्रश्न ये भी हो चुका है ना, ग्यारहवां, ये तीन प्रश्न गलती से मतलब रिपीट हो गए, कोई बात नहीं आप देख लीजिएगा। चलिए आइएगा प्रश्न संख्या 12 पर, 12 में क्या दिया हुआ है, 12 में दिया है कि कुछ केले हरे हैं कुछ हरे पीले हैं। अब यहाँ पे कथन दिया है मतलब इसका स्टेटमेंट है और यहाँ पर कॉन्क्लूजन है। देखिए जब वेन डायग्राम का प्रश्न है तो मैं इसको थोड़ा इंग्लिश से बना रहा हूँ, वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगी। देखिए सम बनानाज आर ग्रीन, देखिए कुछ बनाना जो है ना ये बनाना है ना टोटल, अब इसमें कुछ बनाना ऐसा है जो ग्रीन है, ठीक। अब आगे बोला जा रहा है सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन ऐसे है ना जो येलो है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन क्या है, सम बनानाज आर येलो, कुछ बनाना ऐसा है जो येलो है। देखिए बनाना ये है, येलो ये है, कोई संबंध नहीं, ये गलत हो जाएगा। सम एलो आर बनाना, कुछ एलो बनाना है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है ना। ऑल एलो आर बनाना, अब ऑल तो बिल्कुल नहीं है ना। सम ग्रीन आर बनाना, तो देखिए कुछ ग्रीन वाला जा रही है जो बनाना में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मतलब चौथा, सिर्फ चौथा फॉलो कर रहा है तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। संयोग से यहां पर भी डी ही है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए नेक्स्ट यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया गया कि यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में चार अक्षर समूह दिए गए जिसमें से तीन किसी न किसी एक रूप में है और एक अलग है, विषम का चयन करिए। देखिए एल एम एन ओ है ना, ये है, ए बी सी डी यहाँ पर है, आई जे के एल ये ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें देखिएगा ना सभी मतलब क्या है कि क्रम से चल रहे, क्रम से चल रहे, एल एम एन ओ है ना, ए बी सी डी आई जे के एल डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसमें अलग क्या हो सकता है। देखिए इसमें एक वावेल है ओ, इसमें एक वावेल है ए, इसमें वावेल है आई, लेकिन ये जो डी है ना इसमें कोई भी वावेल नहीं है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, 14 में आपको क्या करना है, ये देखिए मिरर इमेज का एक प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये मिरर रखा गया है ना। देखिए ये पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे साइज का मैटर है ना। देखिए अब आपको बताना है कि सही मिरर इमेज क्या होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा है ना, तो यहाँ पे मैं चीजों को थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये यस लिखा है यहाँ पर है ना, और ऐसे तो दिख हमको भी नहीं रहा है, कमी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एट द रेट है ठीक, और एट द रेट के बाद यहाँ पर ये परसेंटेज है, यहाँ पर हैज है ठीक, और इधर लास्ट का नहीं दिख रहा है, इतने से बनाने का प्रयास करते देखते हैं। देखिए एट द रेट उल्टा होना चाहिए है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, दिख नहीं रहा है, तो इसको अभी छोड़ते हैं हम लोग है ना। यहाँ पे ये मतलब
थोड़ी सी टाइपी मतलब जो टाइपिस्ट या फिर कंटेंट बनाने वाली टीम है यहाँ पे थोड़ी सी मतलब देखिए इसमें किसी का कोई दोस्त नहीं। इसमें हुआ क्या है ना कि ये पेपर का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे इसका जो इमेज है वो रखा गया, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। 15 में क्या दिया है, देखिए नीचे दी गई आकृति से एक घन बनता है तो संख्या एक के विपरीत क्या होगा। डाइस का प्रश्न आपको दिख रहा होगा इसमें, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन को बना देता हूँ। देखिए ऐसा यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर ये ओपन डाइस दिया गया है ना, इस प्रकार से ओपन डाइस में यहाँ पर लिखा है ती देखिए यहाँ पर एक है, ये तीन है, ये चार है, ये छह है, ये नहीं ये क्या है, ये दो है, रुकेगा यहाँ पर दो दिया हुआ है, यहाँ पर चार दिया, यहाँ पर छह दिया और ये पांच है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक के अपोजिट क्या होगा। देखिए जो ओपन डाइस होता है इसमें अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पांच और दो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तीन और चार एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बचा छह और एक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो एक के अपोजिट छह हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16, मतलब कुछ क्वेश्चंस वहां पे डैमेज हुआ था तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ दिया अमन के पास एक एक पांच दस और बीस रुपए के बराबर बैंक नोट है, इनमें से कुछ कुल 1080 रुपए बनते तो अमन के पास कुल कितने नोट है। देखिए नोटों की संख्या बराबर है ना, तो मान लीजिएगा कि अमन के पास अगर एक रुपए का एक नोट होगा तो एक रुपए बनेगा, दस रुपए का पांच रुपए का एक नोट होगा तो पांच रुपए बनेगा, दस रुपए का एक नोट होगा तो दस बनेगा और बीस रुपए का एक नोट होगा तो बीस बनेगा, है ना। और ये मान लेते हैं टोटल एक्स नोट है और ये मिलके कितने रुपए बना रहे हैं, ये बना रहे 1080 रुपए। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पूरा जुड़ जाएगा 36x बराबर 1080, है ना, एक्स बराबर यहाँ पे आपको ये आ जाएगा 30, है ना। मतलब जो एक नोट की संख्या वो 30 है, मतलब एक रुपए के 30 नोट है, पांच रुपए के 30 नोट है, दस रुपए के 30 नोट है, बीस रुपए के 30 नोट है। पूछा है कुल नोटों की संख्या कितना है, तो कुल 120 नोट हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने 16 प्रश्न हल किए, इसमें से कुछ रिपीटेड प्रश्न है उसके लिए माफी चाहते हैं, है ना। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि जितने सही प्रश्न थे उसमें से आपके कितने प्रश्न सही बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।